वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड स्पेशली मुंबई मेरे शहर में हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड इज़ होस्टिंग दिस इवेंट टुडे तो मुझे आगे जाके देखना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरी उनकी स्टारी नाइट वाली पेंटिंग सबसे ज़्यादा फेवरेट है एंड बीइंग अ आर्ट स्टूडेंट ऑफकोर्स आई रियली लाइक वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू ऑल द पेंटिंग्स एंड आर्ट वर्क. बिग बॉस में देख रही हूँ, वैसे एपिसोड नहीं देख रही हूँ बट ऑफकोर्स बहुत सारे मीडिया पेजेस में उसके जो आर्टिकल्स आते हैं वो देखती हूँ, क्लिप्स देखती हूँ. वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड इज़ इन साइड द बिग बॉस हाउस, ईशा सिंह, तो ऑफकोर्स मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है उसके लिए एंड वो जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से शी इज़ वेरी रियल इन साइड. मैंने उसे पिछले 3-4 साल से जानती हूँ, वो जैसी घर के बाहर है वैसी ही घर के अंदर है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के. वैसे मुझे ऐसा लगता है कि 10 लोगों की 10 पर्सपेक्टिव्स होती है बट जितना मैंने जाना है, जितना मैंने क्लिप देखा है कि बहुत बहुत ज़्यादा सीजन्स के बाद कोई लड़की ऐसे देखने मिली है बिग बॉस के अंदर जो अपने मन की बात आगे रखती है, जो सच है वो बोलती है. बाकी तो जिस लोगों को चुगली लगती है उन्हें चुगली लगती है, मुझे तो सच्चाई लगती है. वैसे कोई पार्शलिटी नहीं है बट मैं चाहूँगी ईशा विनर हो. एलिस बाहर आ गई है, नहीं तो मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लगती थी एंड और तो काफ़ी लोग हैं बट मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहती, मैं बस ईशा का नाम लेना चाहती हूँ.